आज होगी पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात। यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन चाहते हैं रूस का विरोध करे भारत। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। लोगों के बीच भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया संग्रहालय। झारखंड में भयानक हादसा, त्रिकुट रोपवे की ट्रोलियां टकराने से हवा में लटके 48 लोग। सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। त्रिकुट रोपवे घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सेना को आ रही दिक्कतें। अब तक 19 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। रामनवमी पर झारखंड में पूजा करने और घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे पर्यटक। रोपवे की एक ट्रॉली के नीचे आते समय अचानक ऊपर जा रही ट्रॉली से हुई थी टक्कर। त्रिकुट हादसे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन। मामले की जांच के दिए आदेश, कहा लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जेएनयू में छात्रों के बीच हिंसक झड़प। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़े। लेफ्ट विंग का दावा, हमले में कई छात्र जख्मी। जेएनयू के कावेरी हॉस्पिटल में नॉनवेज मेन्यू और रामनवमी की पूजा पर हुआ बवाल। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप, एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी का लेफ्ट विंग के आरोपों से इनकार, कहा लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में खलल डालने की कोशिश की। एबीवीपी और लेफ्ट विंग में झड़प के बाद एबीवीपी छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। जेएनयू के मेन गेट पर ही धरने पर बैठे छात्र। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की बड़ी 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड। अब एटीएस की टीम के पास 16 अप्रैल तक रहेगी कस्टडी। एटीएस ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाने के लिए कोर्ट में दी थी अर्जी, जिसे अदालत ने किया स्वीकार। टीम ने सबूत के तौर पर अदालत में एयरगन, लैपटॉप और दूसरी चीजें की पेश। एटीएस टीम मुर्तजा को पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच लाई थी लखनऊ। करीब 45 मिनट तक अदालत में हुई सुनवाई। मुर्तजा की तरफ से नहीं हुआ कोई भी वकील पेश। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में की थी घुसने की कोशिश। पीएसी जवानों के रोकने पर मुर्तजा ने किया था धारदार हथियार से हमला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के मामलों को लेकर दिया बयान, कहा दिल्ली और हरियाणा में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, राजधानी में एक बार फिर से डरा रहा कोरोना। रविवार को 141 नए मामले आए सामने, लोग सावधानी बरतना करें शुरू। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री, जब तक कोई वेरिएंट नहीं होता खतरनाक तब तक लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। यूपी सीएमओ के बाद अब पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक। डीपी और बैकग्राउंड की तस्वीरें बदली गईं, कुछ देर बाद हुआ रिस्टोर। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर किया पलटवार, कहा बीजेपी जम्मू की सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट कर रही, ये गलत इल्जाम। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कश्मीर के लोगों को भी पता किस तरफ बढ़ रहा जम्मू कश्मीर का बजट, आने वाले समय में यहां मिलेंगे उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्र सहित कई अवसर। देश में गर्मी के सितम के बीच हीट वेव का कहर जारी। भीषण लू की चपेट में राजधानी दिल्ली, लोगों का हाल बेहाल। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 3 दिन के लिए हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। हरियाणा में भी लू के प्रकोप के साथ पारा जा रहा सामान्य से ऊपर। अगले 5 दिन तक प्रदेश में लू चलने की संभावना। गर्मी के साथ बढ़ रही आग लगने की घटनाएं। उत्तराखंड के टिहरी के जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग की संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। जंगलों में आग की घटना को लेकर वन विभाग के डीएफओ ने दी जानकारी, कहा आग लगने के कारणों की हो रही जांच। मामले में पुलिस की भी ली जा रही मदद।
दुनिया में अब तक 49,91,00,000 से ज्यादा कोविड केस, करीब 44 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौतों का आंकड़ा 62,00,000 के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 861 नए केस, करीब 900 लोग हुए रिकवर, वहीं 6 लोगों की हुई मौत। भारत में 4,30,00,000 से ज्यादा कोविड केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 5,00,000 के पार, 11,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 141 नए केस, एक व्यक्ति की मौत, कुल मामले 18,00,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 90 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78,00,000 के पार, एक्टिव केस 700 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 17 नए केस, कुल मामले 20,00,000 से ज्यादा, 19,00,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 39 नए कोविड केस, कुल मामले 20,00,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 296। बिहार में 24 घंटे में 2 कोरोना के मामले आए सामने, कुल केस 8,00,000 के पार, केवल 18 केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में मिले 89 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना का कोई भी नया मामला, कुल केस 2,00,000 के पार, 68 केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185 करोड़ के पार। पाकिस्तान में आधी रात को गिरी इमरान सरकार, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 174 वोट, बोले शहबाज, आवाम को नई सुबह मुबारक। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष ने नए पीएम के चेहरे पर लगाई मोहर, पीएमएल नेता शहबाज शरीफ को चुना अपना नेता। पीटीआई ने भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम किया घोषित, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बनाया पीएम पद का प्रत्याशी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने लिया बड़ा फैसला, नेशनल असेंबली में सामूहिक इस्तीफा देने का किया ऐलान, नई सरकार के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। सरकार गिरने के बाद बोले इमरान खान, ट्वीट करते हुए लिखा, विदेशी साजिश के खिलाफ फिर शुरू हुई आजादी की लड़ाई। पाकिस्तान के नए पीएम बनने जा रहे शहबाज शरीफ ने दिखाया रंग, फिर अलापा कश्मीर राग, कहा मुद्दे का समाधान नहीं होने तक भारत संघ सामान्य नहीं होंगे संबंध। रूस यूक्रेन में युद्ध का 47वां दिन, रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले जारी, ब्रिटेन यूक्रेन को देगा एंटी टैंक मिसाइल। इटली के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, ईस्टर के बाद कीव में फिर अपना दूतावास खोलेगा इटली, कीव में लौटने वाले देशों में सबसे पहला देश होगा इटली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर जताई बातचीत पर सहमति, बूचा नरसंहार के बाद से बंद थी बातचीत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, अमेरिकी राजनीति में हस्तक्षेप कर यूक्रेन मुद्दे पर बाइडेन का समर्थन पाना चाहते हैं पुतिन, खुफिया रिपोर्ट का दावा। रूस पर जारी प्रतिबंधों की मार, यूट्यूब ने रूस की संसद का यूट्यूब चैनल किया ब्लॉक, अब यूट्यूब पर नहीं हो पाएगी रूसी संसद की प्रसारण। रूस और यूक्रेन के बीच 10 रेस्क्यू कॉरिडोर पर बनी सहमति, दोनत्स्क मारियुपोल जैसे इलाकों में रेस्क्यू कॉरिडोर पर दोनों देशों में बनी सहमति। यूक्रेन के बूचा से भी भयानक तस्वीरें आई सामने, सड़क पर दिखी कई लाशें, रोते बिलखते नजर आए मासूम लोग। सैक्सो बैंक ने रूस और बेलारूस के क्लाइंट्स के साथ काम करने से किया इनकार, बयान जारी करते हुए रूस और बेलारूस के क्लाइंट्स को किया सूचित। जंग के बीच यूक्रेन को जारी सैन्य हथियारों की मदद, अब स्लोवाकिया ने यूक्रेन को दिया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम।
अमेरिका ने भारत को बताया अहम साझेदार। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है भारत के साथ हमारी साझेदारी। जेन साकी ने कहा, अमेरिका को उम्मीद हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाते रहेगी भारत के बीच बातचीत। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैथल का किया दौरा। चिल्ड्रन पार्क के पास हनुमान मंदिर में 51 फीट की प्रतिमा का किया अनावरण। हनुमान मंदिर में प्रतिमा का अनावरण करने के बाद राज्यपाल ने मंदिर में की पूजा। मौके पर राज्य मंत्री कमलेश झांडा समेत कई नेता रहे मौजूद। हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का संबोधन। कहा, वर्तमान परिवेश में प्रदेश और देश को भक्ति के साथ शक्ति की भी जरूरत। संबोधन में राज्यपाल ने कहा, प्रदेशवासियों को हनुमान जी से देश और समाज की सेवा करने के लिए चाहिए प्रेरणा। रोहतक में भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ओपी धनखड़ ने कहा, नागरिकता संहिता आज के समय की जरूरत।